जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहां से तो उतना हमें भव्यता नजर नहीं आती है, लेकिन वहां से मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमावरण उपस्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी और आप, हम सबके मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद है। जिन माननीय करीब 60 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्रता के साथ अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने माननीय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अधीरंजन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या? हमारे पिता ने बोल दिया कि अहंकरम परम धर्मम, आपने इन्हीं चीजों को पचाया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहां फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहां पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहां माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहां माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहां युवा में माइनॉरिटी क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है। उसको बार बार दर्द होता है कि ये दशा है इनकी, इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए हैं।
और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, आप लोग कहते दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए, हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा, 10 लोग प्रगति करें मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है
और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू, ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है, देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है, कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था के मूलभूत जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? सबको मौका दिया है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की, मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं
ये होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को ही मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना कि तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर, विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स GDP इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया, क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 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 मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी थैंक यू, आपने अच्छा कहा, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। There are great things in the store, आगे वो कह रहे हैं, there are great things in store। फिर आगे कहते हैं, there is a well argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे, 30 साल। और फिर कहा था, ये मेरा विजन जो मैं, मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग, संकल्प तो दूर की बात थी। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए।
कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, दया आती है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, अब 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती है, होनी चाहिए। देश 5 नंबर पर पहुंचा, आपको खुशी होनी चाहिए। इस बीमारी में फंसे पड़े हो आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास एक कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। आदरणीय अध्यक्ष जी, शहरी गरीबों के लिए हमने 400 घर हमने गरीबों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। कांग्रेस, अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते, 5 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता तो इस काम को करने में 80 साल लग जाते, एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए, ये मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते, 3 पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते पकाते गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है। अगर कांग्रेस की रफ्तार होती तो ये काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम 3 पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कबूतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि वक्त, यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे, और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का विश्वास हमेशा
सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर के आगे बढ़ाए। टैक्स व्यवस्था आसान हो इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम
ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गुंजन है। ये नारी शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी शासन के पुराने दंड प्रधान कानूनों से हम प्लीज 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 माननीय सदस्यगण, सदन के नेता बोल रहे हैं आपको, प्लीज आप समझाइए, सदन के नेता बोल रहे हैं आपको। मैंने सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, यह तरीका गलत है, यह हमें मर्यादा बना के रखना पड़ेगा। प्लीज बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, प्लीज 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 नो, गलत तरीका। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तरीका है क्या आपका? आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी शासन के पुराने कानून जो दंड प्रधान थे, उन दंड प्रधानों से के कानूनों से हट करके हमने न्याय संहिता तक प्रगति की। हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म कर दिए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने देखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव गांव ने, देश के कोटि कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा।
और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आमतौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था, मैंने कहा था देश को अगले हजार वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूं। मेरा देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है, मेरा बहुत विश्वास है। दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये सामर्थ्य दिखाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को अगर साधन मिले, गरीब को अगर संसाधन मिले, गरीब को अगर स्वाभिमान मिले, तो हमारा गरीब गरीबी को परास्त करने का सामर्थ्य रखता है। और हमने वो रास्ता चुना और मेरे गरीब भाइयों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है। और इसी सोच के साथ हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। 50 करोड़ गरीबों के पास आज बैंक खाता है, कभी वो बैंक से गुजर नहीं पाता। 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है, घर उसके स्वाभिमान को एक नया सामर्थ्य देता है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का शुद्ध जल पानी नल से मिलता है। 55 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, घर में कोई भी बीमारी आ जाए उस बीमारी के कारण फिर से वो गरीबी की तरफ लुढ़क न जाए, उसको भरोसा है
कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, मोदी बैठा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी ने उनको पूछा जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था। देश में पहली बार रेहड़ी पटरी वाले साथियों के बारे में सोचा गया। पीएम स्वनिधि योजना से आज वो ब्याज के चक्कर से बाहर निकले, बैंक से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। देश में पहली बार हाथ का हुनर, जिनका सामर्थ्य है, जो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं, ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथियों के बारे में सोचा गया। उनको आधुनिक टूल, आधुनिक ट्रेनिंग, पैसों की मदद, विश्व एक मार्केट उनके लिए खुल जाए, ये मेरे विश्वकर्मा भाइयों के लिए हमने कहा। देश में पहली बार पीबीटीजी यानी जनजातियों में भी अति पिछड़े जो हमारे भाई बहन है, संख्या बहुत कम है, वोट के हिसाब से किसी को नजर नहीं जाती, हम वोट से परे हैं, हम दिलों से जुड़े हैं, और इसलिए पीबीटीजी जातियों के लिए पीएम जनमन योजना बना करके उनके कल्याण का मिशन मोड में काम उठाया है। इतना ही नहीं, सरहद के जो गांव थे, जिनको आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था, हमने वो आखिरी गांव को पहला गांव बना करके विकास की पूरी दिशा बदल दी। आदरणीय जी, मैं जब बार बार मिलेट्स की वकालत करता, मिलेट्स की दुनिया के अंदर जाकर के चर्चा करता हूं, G20 के देशों के साथ, लोगों के सामने गर्व के साथ मिलेट्स परोसता हूं, उसके पीछे मेरे दिल में 3 करोड़ से ज्यादा मेरे छोटे किसान हैं जो मिलेट्स की खेती करते हैं, इनका कल्याण, इससे हम जुड़े हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं, तब मैं करोड़ों गृह उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उससे जुड़े हुए मेरे लाखों परिवारों के साथ उनके कल्याण के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, खादी, कांग्रेस पार्टी ने उसको भुला दिया, सरकारों ने भुला दिया, आज मैं खादी के ताकत देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा हूं, क्योंकि खादी के साथ, हैंडलूम के साथ करोड़ों बुनकरों की जिंदगी लगी हुई है, मैं उनके कल्याण को देखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हर कोने में गरीबी को निकालने के लिए, गरीब को समृद्ध बनाने के लिए अनेक विविध प्रयासों को कर रही है। जिनके लिए वोट बैंक ही था, उनके लिए उनका कल्याण संभव नहीं था, हमारे लिए उनका कल्याण राष्ट्र का कल्याण है, और इसलिए हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया, लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके ऐसा जुल्म गए। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे, उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया। उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आगे बन करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं ये प्रधानमंत्री ये क्लास है, ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले दस वर्षों में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर के अनेकविध कदम उठाए गए। नारी के नेतृत्व में समाज के सशक्तिकरण पर काम किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश की बेटी, हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां देश की बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो। आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था हमारी है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ बहनें जुड़ी है और आर्थिक गतिविधि करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वो नई ताकत दे रही है। और मुझे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परिणाम है कि आज करीब करीब 1 करोड़ लखपति दीदी आज देश में। और जब मेरी उनसे बातें होती है, उनका जो आत्मविश्वास देखता हूं, मेरा पक्का विश्वास है हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारे कार्यकाल में 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश के अंदर देखेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में बेटियों के संबंध में जो पहले सोच थी समाज के घर में घुस गई थी, दिमाग में भी घुस गई थी, आज वो सोच कितनी तेजी से बदल रही है। थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कितना बड़ा सुखद बदलाव आ रहा है। पहले अगर बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी, अरे खर्चा कैसे उठाएंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसके आगे की जिंदगी का एक प्रकार से कोई बोझ है, ऐसी चर्चाएं हुआ करती थी। आज
बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है, अरे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला कि नहीं खुला। बदलाव आदरणीय जी, पहले सवाल होता था प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी, पहले ये बात होती थी प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी, आज कहा जाता है 26 हफ्ते की पेड लीव और बाद में भी अगर चाहिए तो मिलेगी, ये बदलाव होता है। पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पति की सैलरी कम पड़ रही, ऐसे सवाल होते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, मैडम आपका जो स्टार्टअप है ना बहुत प्रगति कर रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, ये बदल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था जब सवाल पूछा जाता था कि बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कब करोगे, बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कब करोगे, आज पूछा जाता है बेटी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो, कैसे करती हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पे है कि नहीं है, ऐसा पूछा जाता था, घर के मुखिया को बुलाइए ऐसा कहते थे। आज किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर, बिजली का बिल उसके नाम पर आता है, पानी गैस सब उसके नाम पर, तो परिवार के मुखिया की जगह आज मेरी माता है बहन, ये बदलाव अमृतकाल में विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है ना, इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए आंसू बहाने की आदत मैंने बहुत देखी है, किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वासघात किया गया है ये देश ने देखा है। कांग्रेस के समय कृषि के लिए कुल वार्षिक बजट होता था 25,000 करोड़ रुपया, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7,00,000 करोड़ रुपया का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था, हमने 10 वर्ष में करीब 18,00,000 करोड़ का धान गेहूं। कांग्रेस सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नाम मात्र कभी कहीं की हो तो की हो, हमने 1,25,000,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का दलहन और तिलहन खरीद किया है। हमारे कांग्रेस के साथियों ने पीएम किसान सम्मान निधि का मड़ा उजाया और जब मैंने मेरी पहली टर्म में ये योजना शुरू की थी तो मुझे याद है कि झूठा नैरेटिव की जो फैशन चल पड़ी है, गांव में जाके कहा जाता था कि देखिए ये मोदी के पैसे मत लेना, ये चुनाव एक बार जीत गया तो सारे पैसे ब्याज समेत तुमसे वापस मांगेगा, ऐसा झूठ फैलाया गया था, किसानों को इतना मूर्ख बनाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम किसान सम्मान निधि 2,80,000 करोड़ रुपए हमने भेजे, पीएम फसल बीमा योजना
30,000 रुपया का प्रीमियम और उसके सामने 1.5 लाख करोड़ रुपया मेरे किसान भाई बहनों को। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी मछुआरे पशुपालक की तो नामो निशान नहीं था उनके काम में। पहली बार इस देश में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना, पशुपालन के लिए अलग मंत्रालय। पहली बार पशुपालक को, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि कम ब्याज से उसको बैंक से पैसा मिल सके, वो अपना कारोबार बढ़ा सके। किसान और मछुआरों ये चिंता सिर्फ जानवरों की नहीं होती है, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं की अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने फूट एंड माउथ डिजीज, उससे भारे पशुओं को बचाने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, पहले कभी सोचा नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत में युवाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं ये पहले कभी नहीं बने हैं। आज पूरी वोकेबुलरी बदल गई है, शब्द पूरे जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे वो बोलचाल के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं। आज चारों तरफ स्टार्टअप की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है, आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है, आज गिग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। ये युवाओं के जुबान पर ये नए भारत की नई वोकेबुलरी है, ये नई आर्थिक साम्राज्य की नई नई नए परिवेश है, नई पहचान है। ये सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं। 2014 से पहले डिजिटल इकोनॉमी की साइज ना के बराबर थी, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी। आज भारत दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी है, अग्रणी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अनेक अवसर, अनेक अनेक रोजगार, अनेक अनेक प्रोफेशंस के लिए अवसर लेकर के आने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत मेड इन इंडिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं, दुनिया में हम नंबर 2 बन गए हैं। और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा, इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया देश में और दुनिया में। हम जिस कीमत पे आज हमारे नौजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं, सबसे कम कीमत पर करवा रहे हैं और वो एक कारण बना है। आज मेड इन इंडिया अभियान, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, यह देश देख रहा है। आदरणीय जी, ये सारे काम हमारे नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार लाने वाले काम है, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष में टूरिज्म सेक्टर में अभूतपूर्व उछाल आया है हमारे देश में। ये ग्रोथ और टूरिज्म सेक्टर ऐसा है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला अवसर है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी ये रोजगार देने वाला अवसर है। स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं वाला टूरिज्म क्षेत्र है। 10 वर्ष में एयरपोर्ट 2 गुने बने। भारत सिर्फ एयरपोर्ट बने ऐसा नहीं, भारत दुनिया का 3रा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर बना, दुनिया के 3रे बने। हम सबको खुशी होनी चाहिए, भारत की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने 1,000
नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए, देश में 1000 नए एयरक्राफ्ट। और जब इतने सारे हवाई जहाज ऑपरेट होंगे, सारे एयरपोर्ट कितने धमधमते होंगे, कितने पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए, यानी रोजगारी के नए नए क्षेत्र खुलते जा रहे हैं। एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया अवसर बनकर के आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश नहीं है कि इकोनॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की दिशा में मजबूती से कदम उठाए, युवाओं को नौकरी भी मिले, सोशल सिक्योरिटी भी मिले, इन दोनों को लेकर के और आपने जिन बातों के आधार पर हम निर्णय करते हैं और देश में भी माना जाता है, वो एक होता है डाटा ईपीएफओ का। ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन होता है, 10 साल में करीब 18 करोड़ नए सब्सक्राइबर आए, और वो तो सीधा पैसों से जुड़ा खेल होता है, उसमें तो फेर्जी नाम नहीं होते हैं। मुद्रा लोन पाने वालों में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार कारोबार अपना शुरू किया है, बिजनेस, और जब मुद्रा लोन लेता है तो खुद तो रोजगारी पाता है, एक या दो और लोगों को भी रोजगारी देता है, क्योंकि उसका काम ऐसा होता है। हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है, 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी, जैसा मैंने कहा 1 लाख लखपति दीदी, 1 करोड़ ये अपने आप में बहुत, और मैंने जैसा कहा हम 3 करोड़ के टारगेट को। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ आंकड़े हैं जो अर्थशास्त्री समझते हैं नहीं, सामान्य मानवी भी समझता है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में करीब करीब 12 लाख करोड़ का बजट था, 10 साल में 12 लाख करोड़। बीते 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अंदर बजट 44 लाख करोड़, 44 लाख करोड़। रोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समझ आता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस राशि से जितनी बड़ा मात्रा में काम हुआ है उसके कारण इतने लोगों को रोजी रोटी मिली है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग का, रिसर्च का, इनोवेशन का हब बने उस दिशा में देश की युवा शक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, आर्थिक मदद के योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एनर्जी के क्षेत्र में हम हमेशा डिपेंडेंट रहे, एनर्जी के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और हमारी कोशिश है ग्रीन एनर्जी की तरफ। हाइड्रोजन को लेकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अभूतपूर्व निवेश। उसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र है जिसमें भारत को लीड लेनी होगी, वो है सेमीकंडक्टर। पिछली सरकारों ने जितने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे 3 दशक खराब भले हो गए लेकिन आने वाला समय हमारा है, हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश में देख रहा हूं, और भारत दुनिया को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। इन सारे कारणों से आदरणीय अध्यक्ष जी, क्वालिटी जॉब की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं, और जिसके कारण समाज में जैसे जैसे हमने एक अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, उसके पीछे हेतु ये है कि देश के नौजवानों को हुनर मिले और ऐसे अवसर मिले, और हम इंडस्ट्री 4.0 उसके लिए मैन पावर को तैयार करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बातें की गई है, मैं जरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सच्चाई आनी चाहिए। इतिहास गवाह है,
जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। मैं कुछ वक्ते हुए इस सदन में आज कहना चाहता हूं और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कभी और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है, ये उस समय की बात है। उन्होंने माना था लाल किले से चारों तरफ महंगाई बढ़ी है। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग, मैं कोट बता रहा हूं, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था उन्हीं के कार्यकाल में। तब देश का पीएम रहते उन्होंने 12 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक और भाषण का हिस्सा पढ़ रहा हूं। जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं। हमको ये भी देखना है कि जो भी आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1974 में, जब देश में सारे उन्होंने दरवाजे ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। 30% महंगाई थी, 30%। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था आप चौंक जाएंगे? उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें। ये ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए लोग दिया करते थे। जब देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे, एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जा था। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो दो युद्ध के बावजूद
और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया, उनका दर्द मैं समझता हूं, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी, सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोज मिला। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने, तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे, ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी, हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमें पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता,
बाकी सब कहां चला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था क्यों कम हुआ। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे, और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, क्योंकि रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया, गलत हाथों में जाने से बचाया, देश के टैक्स पेयर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन सा रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं, जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले दस वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है।
लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी ठाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूर्ख वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करी जा रही, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है, वहां पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हवा बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के लिए समस्या किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मारा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी, और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखें। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए, मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़ो। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं, मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को भुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूं, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है,
तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लिखता हूं, आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के अब चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछालने उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं साथियों की तकलीफ है, मैं जानता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता और दुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है, हम कामदार हैं और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है। तो नामदार कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं, और हम कामदारों को सुनना होता है, हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पवित्र सदन में आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया, मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव पर श्रीमती अपरूपा पोद्दार और एनके प्रेमचंदन ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में के हां कहें, जो विरोध में कहें ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं